आईपीसीएल 2023 की शुरुआत थी छे। लगभग 500 रहवासी भाग लेशे। इस्कॉन प्लेटफॉर्म क्रिकेट लीग विजेता की ट्रॉफी माटे 75 मैचों में 41 टीमों एक बीजा साथ स्पर्धा आपशे। इस्कॉन प्लेटिनम क्रिकेट लीग 2023 जेमा अमदावाद ना सीमाचिन रूप रहनांत प्रोजेक्ट पैकी ना एक इस्कॉन प्लेटिनम ना रहवासी वच्चे क्रिकेट मैच रमाशे। तेनो भव्य उद्घाटन समारोह साथे प्रारंभ थशे। अश्विन लिंबासिया, सौरभ टिकरीवाल इस आईपीसीएल कमेटी का एक सदस्य, और आज हम लोग ये आईपीसीएल 2023 सब लोगों के सहयोग से बहुत धूमधाम से मनाने की कोशिश में है। ये हर साल होता है, पर इस साल सबसे ज़्यादा हम लोगों के प्लेयर्स के रजिस्ट्रेशन तो सबसे ज़्यादा टीम हुए हैं। आप लोगों के सहयोग से इसको हम लोग नंबर वन बनाएंगे। ये ऐसा त्यौहार है हम लोगों के सोसाइटी का, जिसमें सब कोई आपस में मिलते हैं, जुलते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं, और आगे खुशहाल तरीके से हर तरह का पर्व मनाते हैं और एक दूसरे से दोस्ती यारी और भाईचारा निभाते हैं। धन्यवाद। राहुल गेहानी, मैं इस्कॉन प्लैटिनम का मेंबर हूं, और जैसे सौरभ भाई ने बताया, ये हमारा इस्कॉन का बिगेस्ट इवेंट रहता है। आज की तारीख में हमारे पास ऑलमोस्ट 500 पार्टिसिपेंट्स हैं, 41 टीम्स हैं, जो शायद ही अहमदाबाद में या कहीं पे किसी भी सोसाइटी में इस तरीके का इवेंट ऑर्गेनाइज होता होगा। और सभी भाईचारे से खेलते हैं, एक ट्रू स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होता है, चाहे बच्चे हैं, बड़े हैं, सीनियर सिटीजन्स, लेडीज़, सभी की अलग अलग मैचेस हैं, और एक अच्छा ग्रुप बना के हम लोग खेलते हैं, एक सोशलाइजिंग होता है, रोज़ हमारे इवेंट्स रहते हैं और बहुत अच्छी तरीके से सब लोग खेलते हैं, और एक फेस्टिवल की तरह हम लोग इसको पूरा करते हैं। थैंक यू। कितनी टीम है और कितने दिन तक चलने वाला है? 41 टीम्स है, ये ऑलमोस्ट एक महीने की टूर्नामेंट है, जो 4th February को हमारा फाइनल मैच है। के लिए हमारा एक ट्रॉफी है, रनर्स अप की हमारी ट्रॉफीज होती है, मेंस टीम की अलग ट्रॉफीज है, लेडीज टीम की अलग ट्रॉफीज है, सीनियर सिटीजन्स का अलग है।